व्हाट्स अप। सो इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे आज अमेज़फिट बीपीयू स्मार्ट वॉच की। सो यार, आप में से बहुत लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा इस वॉच को लेकर। आप लोगों ने आई एम श्योर 90% लोगों ने कंपैरिजन किया होगा अमेज़फिट बीपीयू स्मार्ट वॉच का और जो आपको नॉइस की NAV स्मार्ट वॉच मिलती है। तो प्राइस दोनों का यार लगभग आपको सेम मिलता है, थोड़ा सा 400 और 500 का थोड़ा शायद प्राइस डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। सो यार, मैं स्टार्टिंग के 10 टू 15 सेकंड्स में एक डाउट लोगों का क्लियर कर देता हूँ। मैंने कंपेयर करके ही ये वॉच ऑर्डर करी थी, अपने लिए पर्सनल यूज़ के लिए मंगाई थी, बट मुझे अमेज़फिट नॉइस से ज़्यादा बेटर इसलिए लगी क्योंकि इसमें आपको सिर्फ एक डिसएडवांटेज मिलता है NAV के कंपैरिजन में, और वो है इसमें इनबिल्ट GPS आपको नहीं देखने को मिलता। सो इनबिल्ट GPS नहीं देखने को मिलता, बट आपको इसमें नॉइस के कंपैरिजन में बहुत सारे एडवांटेजेस भी देखने को मिलते हैं, जिससे कि इसकी आपको बहुत अच्छी बैटरी लाइफ देखने को मिलती है उसके कंपैरिजन में, एंड बहुत सारे अच्छे फीचर्स हैं, आपको बहुत सारी थीम्स, मल्टीपल थीम्स देखने को मिलती हैं जो NAV से ज़्यादा हैं ऑब्वियसली, एंड बहुत सारे और भी एडवांटेजेस NAV से ऊपर हैं जो अमेज़फिट गेन करती है NAV के ऊपर। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम लोग देखते हैं। एंड गाइज, इस वीडियो में हम लोग थोड़ा बहुत इसका जो डिज़ाइन है अमेज़फिट का, वो दो फिटनेस बैंड से भी कंपेयर करेंगे जो होंगे ऑनर बैंड 5 एंड MI बैंड 3। सो गाइज, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो करते हैं इस बॉक्स को ओपन। सो गाइज, बॉक्स को ओपन करते ही हमें हमारी प्यारी सी स्मार्ट वॉच BPU की देखने को मिल जाती है, बट एज यूजुअल हम लोग इसको अभी साइड रखेंगे एंड बाकी जो कॉम्पोनेंट्स आपको देखने को मिलते हैं बॉक्स में उन पर ध्यान देंगे। सो यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा बहुत देखते हैं कि बॉक्स में हमें और क्या देखने को मिलता है, तो बॉक्स में हमें एक और चीज़ देखने को मिल जाती है, तो निकालते हैं उसे। तो ये गाइज, ये एज यूजुअल होगी इस वॉच की यूज़र मैनुअल, जिसे आप अगर थोड़ा और डिटेल में डीप नॉलेज करना चाहते हैं इस वॉच की तो आप इसको पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, ये रही इस वॉच की यूज़र मैनुअल। सो अगर आपको इसकी और नॉलेज चाहिए या फिर आप बहुत बेसिक हैं, फर्स्ट टाइम स्मार्ट वॉच ओनर हैं, तो आपके मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसे एक बार देख लें या फिर आप यूट्यूब पर कोई वीडियो देख सकते हैं। सो इसे भी साइड रख देते हैं। सो यहाँ पे हमारी मेन जो वॉच है वो कुछ आपको ऐसा डिज़ाइन में देखने को मिलती है। सो इसको अभी हम करते हैं ओपन, बाकी देखते हैं हमें बॉक्स में क्या देखने को मिलता है। सो जैसा आप देख सकते हो, यहाँ पे भी हमें कुछ चीज़ देखने को मिल रही है। आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली इसका चार्जर होगा वॉच का। सो इसको अगर हम लोग ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पे हमें यही कॉर्ड देखने को मिल जाती है। थोड़ा सा डिफरेंस करा है इन्होंने चार्जिंग के पैटर्न में, क्योंकि यहाँ पे आपको बॉक्स देखने को मिलता है चार्जिंग का केस, सो इट्स अ प्रेटी गुड ऑप्शन। एंड यहाँ पे अगर हम इसको देखते हैं तो ये आपको एक चार्जिंग ऑप्शन देखने को मिलता है। सो गाइस, इसको फाइनली हम लोग रख देते हैं, अभी इसको हम बाद में देखेंगे। बात करते हैं वॉच की। सो गाइस, ये रही हमारी अमेज़फिट BPU स्मार्ट वॉच। तो आपको स्ट्रैप जो है बहुत थिन देखने को मिलता है, मतलब बैलेंस है। एंड ये आपको मिलती है वॉच, यहाँ पे आपको सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं सारे। यहाँ पे अगर हम थोड़ा बहुत क्लिक करके देखते हैं तो आई थिंक ये चार्ज होगी पहले से। सो हाँ गाइस, चार्ज है। यहाँ पे आपको एक स्कैन करना पड़ेगा अपना, एक जो ऑफिशियल ऐप है अमेज़फिट BPU को मैनेज करने का ऐप, वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। एंड इसके बाद अगर हम थोड़ा बहुत और करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे अभी ज़्यादा कुछ नहीं होता, अबाउट आ जाता है जैसा मैं देख सकता हूँ। गाइस एक मिनट फोकस कर देता हूँ। सो यहाँ पे आपको अबाउट, रेगुलेशन एंड फैक्ट्री रीसेट देखने को मिलता है, क्योंकि मैंने अभी ये लिंक नहीं कर रखी इसका जो ऐप है उससे। तो अगर हम लोग अबाउट पे भी जाते हैं तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स देखने को मिल जाती हैं वॉच के सिस्टम के बारे में। सो यहाँ पे अभी हम लोग वॉच को अगर कंपेयर करते हैं बाकी वॉचेस के कंपैरिजन में, बाकी फिटनेस बैंड्स के कंपैरिजन में। सो गाइस, ये अगर हम लोग MI बैंड 3 से कंपेयर करते हैं तो MI बैंड 3 कुछ ऐसा देखने को मिलता है आपको। मैं इसका स्ट्रैप ओपन कर देता हूँ। तो जो आपको MI बैंड 3 है वो ऐसा देखने को मिलता है। MI बैंड 3 में आपको थोड़ा ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। तो MI बैंड 3 के कंपैरिजन में आपको शेप का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। एंड आई थिंक ये अभी लीस्ट डिफरेंस होगा क्योंकि MI बैंड 3 बहुत थोड़ा टाइम हो गया ऐसे आए हुए। सो इसे साइड रख देते हैं। सेकेंड बात करते हैं ऑनर बैंड 5 की। तो ऑनर बैंड 5 जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था, तो उसे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे एक्चुअली चार्जिंग नहीं है इसमें ऑनर बैंड 5 में, इसलिए गाइस अनफॉर्चुनेटली ये ओपन नहीं होगा अभी। सो आप डिफरेंस देख सकते हैं डिज़ाइन में और पैटर्न देख सकते हैं, शेप दोनों की अलग है। एंड स्ट्रैप में भी थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है आपको BPU की स्मार्ट वॉच में और ऑनर बैंड 5 में। सो गाइस, दिस वॉज टुडेज वीडियो। एंड अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, सो गाइस प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर लेटेस्ट अपलोड्स।